पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भेजी हेरोइन की खेप लेकर जा रहे बाइक सवार दो तस्करों को खालड़ा पुलिस ने काबू कर लिया है। इसमें खेमकरण हल्के के आपके विधायक सरवन सिंह धुन का भतीजा जशनप्रीत सिंह उर्फ जश्न निवासी गांव नारली भी शामिल है। पुलिस ने उनको अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि भारत और पाक सीमा पर तैनात BFF की 103 बटालियन के जवानों के रात को BOP KS वाला पर तैनाती दौरान पाक सीमा के पार से हरकत महसूस की, जिसके बाद नाइट विजन कैमरे से देखा कि एक ड्रोन भारतीय इलाके की तरफ आ रहा है। जवानों के 8 राउंड फायर किए और ड्रोन दिखाई देने पर बंद हो गए, जिस दौरान सुबह सर्च अभियान चलाया गया तो ड्रोन बरामद हो गए। इस बीच खालड़ा पुलिस ने गांव नारली डिफेंस ड्रेन की तरफ से होंडा मोटरसाइकिल PV46U9791 पर आ रहे दो लोगों को घेर कर तलाशी ली। उनके कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम हीरोइन के 2 पैकेट मिले। बता दें कि तस्करों की पहचान जशनप्रीत सिंह उर्फ जशन निवासी गांव नारली थाना खालड़ा और उसके साथी गुरजंट सिंह गट्टू निवासी गांव जियोवाला थाना सदर तरन तारन के तौर पर हुई। बता दें कि जशन कोई और नहीं बल्कि खेमकरण के आप विधायक सरवन सिंह धन्नू का भतीजा है। दोनों ने प्रथम जांच में मानो कि ड्रोन के माध्यम से पाक से आई हीरोइन की खेप को ठिकाने लगाने जा रहे थे। दोनों को शाम को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। दरअसल DSP प्रीत इंद्र सिंह ने बताया कि आरोपितों से और सुराग लगने की उम्मीद है। तस्कर जशनप्रीत सिंह का बाप हरनेक सिंह भी नामी तस्कर है। उसके खिलाफ तस्करी के साथ मामले दर्ज हैं और इन दिनों वो फरीदकोट की जेल में 14 वर्ष की सजा काट रहा है। जशनप्रीत सिंह का एक भाई हरविंदर सिंह कनाडा में रहता है। जशनप्रीत सिंह के साथ पकड़ा गया गुरचंद सिंह खाडूर साहिब हल्के के गांव जियोवाला का निवासी है।